दोस्तों क्रिकेट का सीजन चल रहा है और क्रिकेट तो हम जरूर से देखते हैं क्योंकि इंडियंस बहुत लव करते हैं क्रिकेट को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट से जुड़ी बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम जानते हैं हॉटस्पॉट के नाम से। दोस्तों हम जब भी क्रिकेट देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी कई बार टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है तो हम बस देख के दंग रह जाते हैं कि वर्क कैसे करती है, पर लेकिन उसके पीछे किसी को पता नहीं है कि क्या टेक्निक यूज़ की गई है और ये कैसे हमको रिजल्ट ला के देती है। फॉर एग्जाम्पल हॉटस्पॉट टैग स्नीकोमीटर और साथ ही साथ में हॉक आई। तो आज की इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं हॉटस्पॉट के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हॉटस्पॉट होता क्या है, किस तरीके से वर्क करते हो, किस तरीके से हमारे सामने रिजल्ट आते हैं। अब दोस्तों देखिए, क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से सराउंडेड होता है, ऐसे में बहुत नॉइजी पूरा एरिया बन जाता है जिससे अंपायर को बहुत ही मुश्किल होती है ये पता करने में कि बॉल बैट को टच होके गई है कीपर के पास कि नहीं। दोस्तों कई बार ऐसे एरियाज में नहीं अंपायर इतना कैपेबल होता कि वो जान पाए कि बॉल बैट को टच करके गई है, और अगर बैट को तो चलो ठीक है आवाज़ आ भी जाती है थोड़ी बहुत, बट लेकिन ग्लव्स वगैरह की तो आवाज़ आती भी नहीं है। तो अगर ऐसे में बहुत क्लोज मैटर होता है कि कई बार थोड़ा बहुत टच होके गई है कि नहीं, तो ऐसे में बड़ी परेशानी आती है और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर बन जाता है। तो इसी को सही करने में और हमेशा फेयर डिसीजन देने में अंपायर यूज़ करते हैं एक टेक्नोलॉजी जिसको हम जानते हैं हॉटस्पॉट के नाम से। दोस्तों ऐसे में होता क्या है, हमारे सामने पूरी एक ब्लैक ब्लैक एक फुटेज आती है जिसमें जब भी बॉल किसी एरिया को टच करके जाती है, चाहे वो पिच की बाउंस हो या फिर वो ग्लव हो या फिर वो किसी भी बैट का एरिया हो या फिर वो कोई भी बॉडी पार्ट हो बैट्समैन का, तो वो एकदम वाइट हो जाता है और जब भी वो टच होके जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि ये इस एरिया से टच हुई है, और फिर अपना एम्पायर डिसीजन देता है कि वो बैट्समैन आउट है या नॉट आउट। तो दोस्तों अब इसके पीछे की जो साइंस है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है इसके बारे में, बट लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है, हॉटस्पॉट के लिए हम यूज़ करते हैं दो इंफ्रारेड कैमरा जो कि दोनों पवेलियन एंड्स पे लगे रहते हैं और वो पूरे एरिया को कवर करते हैं जहाँ पे बैट्समैन खड़ा होता है। दोस्तों अब ऐसे में वो हमेशा बैट्समैन पे फोकस कर रहे रहते हैं। जब भी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल मामला होता है, जब ऐसा लगता है कि बैट्समैन के बैट या क्लब या कहीं कहीं और टच होके बॉल गई है, तो ऐसे में थर्ड एम्पायर को इशारा करता है फर्स्ट एम्पायर, और फिर थर्ड एम्पायर फुटेज देखता है और हॉटस्पॉट की। दोस्तों अब देखिए, पूरी पूरे जो एरिया का टेम्परेचर होता है वो एकदम सामान्य होता है। अब अगर कोई भी बॉल टच होके जाती है, चाहे वो बैट से हो या वो पैड से हो या किसी भी एरिया से हो बैट्समैन के, तो वहाँ पे जैसे वो टच करेगी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। दोस्तों फ्रिक्शन जनरेट होगा तो डेफिनेटली हीट भी जनरेट होगी, और दोस्तों उसी हीट को वो अपन को फुटेज में दिखाता है एज अ वाइट स्पॉट। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये जो वाइट स्पॉट है वो डेफिनेटली वही स्पॉट है जहाँ पे बॉल टच होके गई है। तो ऐसे में हम पता लगा लेते हैं या तो वो बैट से होके जाएगी या पैड से होके जाएगी या कहीं से भी टच होके गई हो, तो ऐसे में आउट या नॉट आउट का हमें डिसीजन मिल जाता है। तो बस बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि नाम में लगा हुआ है हॉट स्पॉट मतलब गर्म एरिया, जहाँ पे भी बॉल टच होगी फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो इंफ्रारेड कैमरा उसे अपन को पूरे ब्लैक स्क्रीन में एक व्हाइट मार्क के साथ दिखा देंगे कि यहाँ पे बॉल टच हुई है, और जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि बैट्समैन आउट है या नॉट आउट। तो बस दोस्तों इतनी सी सिंपल सी बात थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे स्नीकोमीटर के बारे में, साथ ही साथ में हॉकआई के बारे में। तो अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसके जुड़ी हुई कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में पता पड़ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मल्टीटेक हैकर को, और जुड़े रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की।